हेलो एवरीवन, मैं मोहम्मद सुल्तान। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि खुश कैसे रहा जाए, वो कौन से लोग हैं जो अपनी लाइफ में खुश रह सकते हैं। तो आपने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का नाम तो सुना होगा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी दुनिया की नंबर एक यूनिवर्सिटी है। कभी वह रैंकिंग में पहले नंबर पर आती है, कभी दूसरे नंबर पर आती है। हमारी जो इंडियन यूनिवर्सिटी है, इनका हज़ारों में कहीं नाम आता है। उस यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च चल रही है जो पिछले 70-75 सालों से चल रही है। तो उस यूनिवर्सिटी ने एक लॉन्गिट्यूडनली रिसर्च किया। जो लोग रिसर्च कर रहे थे, कुछ लोग उसमें से इस दुनिया से चले गए हैं, कुछ लोग अभी भी मौजूद हैं, वो इस रिसर्च को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। उन्होंने उस रिसर्च में ये देखा कि उस यूनिवर्सिटी के जो टॉप अचीवर थे, जो हर सेशन में टॉप करते थे, जो लोग टॉप करते थे, उनकी आइंदा आने वाली ज़िंदगी को ट्रेस किया। उन्होंने ये पता लगाने के लिए कि आखिर तक खुश कौन रहा, तो उन्होंने उनकी आने वाली ज़िंदगी, जो उस यूनिवर्सिटी के टॉप अचीवर थे, उनकी आने वाली ज़िंदगी को ट्रेस किया। उसमें ये पता लगाया कि कौन आखिर तक खुश रहा। तो उस यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसे लोग भी थे जो अमेरिका के प्रेसिडेंट बने। उस यूनिवर्सिटी के कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने चांद पर कदम रखा। उस यूनिवर्सिटी के कुछ ऐसे लोग भी थे जो बहुत बड़े फिलॉसफर थे। उस यूनिवर्सिटी के कुछ ऐसे लोग भी थे जो बहुत बड़े कातिल थे। उस यूनिवर्सिटी के बहुत बहुत ऐसे लोग थे जिनका कत्ल हुआ। उस यूनिवर्सिटी के ऐसे लोग भी थे जिनको उम्र कैद हुई। उन्होंने इस रिसर्च को आगे बढ़ाते हुए कंटिन्यू किया। इस तरह से उन्होंने इन सारे लोगों को आने वाली ज़िंदगी को लेकर, आने वाली लाइफ को लेकर लॉन्गिट्यूडनली ट्रेस किया। उन्होंने उसमें सिर्फ ये देखा कि आखिर तक खुश कौन रहा, आखिर तक, यानी वो कौन लोग थे जिन्होंने इत्मीनान और सुकून वाली, जिन्होंने पीसफुल लाइफ को इन्जॉय किया, तो उस स्टडी का, उस रिसर्च का ये बिल्कुल नतीजा नहीं आया कि जो अमेरिका का प्रेसिडेंट बना वो बहुत खुश रहा, जो जिसके पास प्राइवेट जेट थे वो बहुत खुश रहा, जो बहुत बड़ा डॉक्टर था वो बहुत खुश रहा, जो बहुत बड़ा फिलॉसफर था वो बहुत खुश रहा। इस स्टडी का ये नतीजा बिल्कुल नहीं निकला कि जो बहुत बड़ा साइंसदान था वो बहुत खुश रहा। इन सभी में एक कॉमन चीज़ ये निकल कर आई कि जिन्होंने अपने रिश्ते को, अपने रिलेशनशिप को बना के रखा, वो लोग खुश रहे जिन्होंने रिश्ते को निभाना सीखा, जो अपने रिश्ते को निभा सके वो बहुत ज़्यादा खुश रहे। और उसमें उन्होंने ये भी एक क्राइटेरिया देखा कि हर शख्स की ओपिनियन, अगर उसके स्पाउस के साथ, अगर वो वाइफ है तो हस्बैंड के साथ, अगर वो हस्बैंड है तो वाइफ के साथ, जिनकी राय सही थी वो लोग ज़्यादा खुश रहे। तो इसका मतलब दैट मीन्स जो अपने रिश्ते को निभा सके वही लोग ज़्यादा खुश रहे, जिनकी रिलेशनशिप लंबे समय तक रही वही ज़्यादा खुश रहे। हमें से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े कम्युनिकेटर होते हैं, बहुत बड़े दुकानदार होते हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं, बहुत बड़े लायर होते हैं, बहुत बड़े डॉक्टर होते हैं, लेकिन अगर उनकी बीवी से, उनकी बच्चों से, उनकी वाइफ से, उनके चिल्ड्रन से पूछा जाए कि ये कैसा आदमी है, तो तुरंत आपको उस आदमी के बारे में पता लग जाएगा कि वो आदमी कैसा है, वो किस टाइप का आदमी है। उन्होंने इस स्टडी में ये देखा कि जो शख्स ने अपनी वाइफ, अपने हस्बैंड, अपने बच्चों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, जिनकी ओपिनियन सही थी, जिनकी ओपिनियन पॉजिटिव आई, वो लोग ज़्यादा खुश रहे, उस आदमी के कामयाब होने के ज़्यादा चांसेस थे। इसलिए रिश्तों को निभाना बहुत ज़रूरी है। जो लोग रिश्ते को बचा सकते हैं, जो लोग रिश्तों को निभा सकते हैं, वो लोग ज़्यादा खुश रहे, वही लोग ज़्यादा कामयाब हुए। और देखें कि जब सोसाइटी में रिश्ते निभाने वाले लोग मौजूद थे, तो हमारी जब रिश्ते निभाने वाले लोग मौजूद थे तो हमारी सोसाइटी में एक ग्लो और गोल मौजूद थी, देखें, मेरी इज्जत, मेरे जान माल की हिफाजत उतनी ही मुझे अजीज़ है जितना आपकी इज्जत, आपकी जान माल की हिफाजत तकरीबन मेरे लिए अजीज़ हो।
राइट। इसलिए हमारे और आपके दरमियान एक गोल और ग्लो का होना बहुत ज़रूरी है। इस गोल और ग्लो का नाम है रिलेशनशिप, इस गोल और ग्लो का नाम है रिश्ते को निभाना। मैं और आप ये फैसला करें कि हम अपने रिश्तों को कायम रखेंगे, हम अपने रिश्तों को, मोहब्बतों को कायम कर सकते हैं और इस रिलेशनशिप को कायम रख सकते हैं, इस अखलाकियात को, इस एथिक्स को कायम रख सकते हैं, और यही सारी चीज़ें हैं जो हमारी सोसाइटी को बचाती हैं। अगर आपको अपने रिश्ते, अगर आपको अपने आने वाली आइंदा की ज़िंदगी में खुश रहना है, तो आपको रिश्तों को निभाना सीखना होगा। आपको हमारी इस बात को सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।